ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये है बैटरी ऑपरेटेड सुगर कैन जूस मशीन। जी हाँ बिल्कुल, बैटरी से चलने वाली मशीन है। अभी तक आपने डीजल पेट्रोल से चलने वाली मशीन देखी होगी, लेकिन अब जरा बैटरी ऑपरेटेड देखिए। इससे भी एक और गजब की मशीन लेकर आए हैं जो कि सोलर पैनल से चलती है। आगे हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसको मूव करना काफ़ी आसान है, बहुत ही आसानी से इसे चला सकते हैं। और इस बिजनेस को करते हुए आप सिर्फ एक दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अब कैसे कमाएंगे आगे हम आपको बताते हैं। बिल्कुल 4 से 5 हज़ार रुपये, वो भी सिर्फ एक मशीन से। इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि मशीन बैटरी से चलती है, इसमें डीजल पेट्रोल का खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा और ना ही आपको बिल्कुल भी मेहनत करनी है। ये गन्ना किलो के प्राइस में आता है और एक गिलास जूस निकालने में लगभग 3 रुपये का खर्चा आता है। मैक्सिमम मान लीजिए कि 5 रुपये का खर्चा आएगा और यही एक गिलास 20 रुपये के रेट से सेल होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक गिलास में आपको 15 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। दिन में यदि आप कम से कम 300 ग्लास भी सेल कर लेते हैं तो 15 × 300 बराबर होता है 4500 रुपये, वो भी सिर्फ एक मशीन से। इस तरह से आप 3 से 4 मशीन खरीद कर बंदे लगा सकते हैं और महीने के 1 लाख रुपये से अधिक कमा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 1 लाख रुपये से अधिक, और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें कोई भी वायर नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई भी कनेक्शन लगा हुआ है। इसे आप आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे कि पीछे के साइड 2 व्हील लगे हुए हैं और आगे के साइड 1 व्हील लगा हुआ है। इस तरह से इसे आप अपने गली मोहल्ले या फिर मार्केट, जहाँ भी आप मशीन लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगाकर जूस बेच सकते हैं। चलिए मशीन ऑन करते हैं। ये देखिए मशीन ऑन हो गई है। बटन के ऊपर एक डिस्प्ले लगा हुआ है, यहाँ से आप बैटरी बैकअप देख पाएंगे कि आखिर बैटरी कितना चार्ज है। यहाँ इस गन्ने को डालेंगे। इसमें आप देखिए बिल्कुल हैवी गन्ना है, चाहे कितना भी हैवी हो मशीन एक ही बार में फुल क्रश कर देगी, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो गन्ना मशीन में डाल रहे हैं और ये एक ही बार में पूरा क्रश हो रहा है और एकदम से क्रश हो गया। नीचे इसका पूरा जूस निकल कर बाहर आ रहा है, ये देखिए एकदम से जूस आ रहा है। चलिए एक और गन्ना डालते हैं। अभी आप इसकी क्वालिटी देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप ही क्रश करके इसका जूस निकाल रही है। यहाँ नीचे देखिए जूस निकल रहा है। यहाँ पीछे वेस्टेज बकेट दिया गया है और ये देखिए ये एकदम से क्रश होकर पाउडर हो गया है, इसमें बिल्कुल भी जूस नहीं बचा है। मतलब मेड इन इंडिया मशीन है और एक ही बार में पूरे गन्ने को क्रश करके दे रही है। बाकी मशीन्स में आपने देखा होगा कि एक ही गन्ने को 2 से 3 बार डालते हैं तब जाकर उसका जूस निकलता है, लेकिन ये मशीन सिर्फ एक ही बार में क्रश कर देती है। यहाँ पर कूलिंग बॉक्स दिया गया है, इसमें आप आइस डाल सकते हैं, इससे जूस एकदम से ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर कैश ड्रॉवर दिया गया है, चलिए ग्लास ले लीजिए। और इसके बगल में एक काउंटिंग सिस्टम लगाया गया है, इसे आप लॉक भी कर सकते हैं। एक गिलास में आप जितने ml जूस निकालना चाहते हैं वो यहाँ से सेट हो जाएगा। अभी देखिए इसमें अभी तक 17 ग्लास जूस सेल हो चुका है, डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा। इसे आप लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं। चलिए मशीन ऑन करते हैं और बटन दबाते ही एकदम ठंडा जूस बाहर आ रहा है। और ये देखिए इसे आप सेट कर पाएंगे कि आप 100 ml निकालना चाहते हैं या फिर 200 ml, और इस तरह से गन्ने का जूस ग्लास में आ जाएगा। एक और ग्लास में जूस निकालते हैं। जूस निकलने के बाद कूलिंग बॉक्स में चला जाता है, ठंडा करने के लिए आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। एक और मॉडल आता है जिसके नीचे फ्रीजर सिस्टम लगा होता है, उसे चलाने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस मशीन को आप अपने होटल रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं, इंड स्क्रीन में आपको वो मशीन भी दिख जाएगी। लेकिन ये जो मॉडल है ये बिल्कुल बैटरी चलती है और ठंडा करने के लिए आप इसमें बर्फ़ डाल दीजिएगा। इसमें पंप भी लगा हुआ है जिससे कि बटन दबाते ही जूस बाहर निकल आता है। इस तरह से आप बटन दबा कर जूस निकाल सकते हैं। पीछे कस्टमर खड़े हैं, इन्हें दे दीजिए। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे कस्टमर आ गए हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न होता ही ऐसा है कि लोग सिर्फ जूस पीना पसंद करते हैं, और यदि ठंडा ठंडा गन्ने का जूस मिल जाए तो भाई साहब पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। बताइए होता है कि नहीं। अभी तक आप जो ठेले में जूस पीते थे वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता था, क्योंकि उनके पास ठंडा करने का कोई सिस्टम नहीं होता था। लेकिन अब वो लोग अपने ठेले को इस कार्ड में बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर कूलिंग का सिस्टम दिया जाता है, और ठंडा जूस पिलाने से आपके पास और भी कस्टमर आएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो 8 घंटे का है और आप कंटिन्यू जूस निकाल सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार चार्ज करना है और उसके बाद मशीन पूरा दिन जूस निकालेगी। इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जो कि लगातार 8 घंटे तक चलती है, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी हैवी बैटरी लगी हुई है कि आप कंटिन्यू इसमें 1000 किलोग्राम तक गन्ना क्रश कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 1000 किलोग्राम तक गन्ना। आइए हम आपको इसका अंदर दिखाते हैं, आखिर इसके अंदर क्या लगा है जो कि सिर्फ एक ही बार में क्रश कर देता है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे काउंटिंग सिस्टम दिया गया है, इससे आप रात को चेक कर सकते हैं कि पूरे दिन में कितने ग्लास जूस सेल हुआ है, और इस हिसाब से आपका जो वर्कर या फिर जो बंदा है उससे आप पैसा ले सकते हैं। कोई भी चोरी नहीं होने वाली है, मशीन काउंट करके बता देगी कि पूरे दिन में कितने ग्लास जूस सेल हुआ है।
इसे आप लॉक भी कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन चीज तो यही है। यहाँ आप इस रोलर की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल हैवी रोलर लगा हुआ है और ये चाइना का बिल्कुल नहीं है, मेड इन इंडिया मशीन है। जितने भी रोलर आप देख रहे हैं ये सब इंडिया में बनाए गए हैं, इसीलिए एक ही बार में गन्ना क्रश कर देते हैं। इसके पूरी वर्किंग बैटरी से हो रही है, कोई भी कनेक्शन नहीं लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई इन्वर्टर लगा हुआ है, ये डायरेक्ट बैटरी से चलती है। मशीन बिल्कुल लाइट वेट है, इसे आप अपने एक हाथ से मूव कर सकते हैं और मशीन के साथ आपको छाता भी फ्री में मिलता है। ये बिल्कुल पोर्टेबल छाता है, इसे आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अब शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको चार्ज करने के लिए बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिजली का बिल तो देना पड़ेगा और वो कौन देगा, लेकिन मशीन वालों के पास। जी हाँ, मशीन वालों के पास इसका भी सलूशन है, ये सोलर ऑपरेटेड सुगर केन जूस मशीन। अब लीजिए, ये मशीन सोलर पैनल से चलती है, यानी कि इसको चलाने में आपका एक रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा। इस कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड सोलर पैनल लगा हुआ है और इसी के द्वारा ही ये पूरी मशीन चलती है। ये इंडिया का सबसे पहला सोलर ऑपरेटिंग गन्ने का कार्ड है। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहला। यहाँ पर इस गन्ने को काट लिया गया है, सबसे पहले मशीन ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जैसे ही गन्ना डालते हैं तो ये देखिए पूरा क्रश हो रहा है और एक ही बार में पूरा क्रश हो गया है, इसमें बिल्कुल भी जूस नहीं बचा है। आप इस मशीन की वर्किंग प्रोसेस देख सकते हैं कि एक ही बार में पूरा जूस निकल गया। इसके नीचे आप चाहें तो गन्ना वगैरह रख सकते हैं और जितना भी जूस है वो निकल आता है। इसकी कैपेसिटी देखिए, इसमें बिल्कुल हैवी रोलर लगे हुए हैं। अभी ये जूस निकलने के बाद नीचे कंटेनर में चला गया है और हम बटन दबाकर इसे ग्लास में निकाल सकते हैं। यहाँ पर ग्लास लगाना है और जैसे ही बटन दबाते हैं तो जूस इस ग्लास में आ रहा है। ये सभी मशीन्स जूस निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं, जो कि अलग अलग वेरायटी अलग अलग मॉडल में अवेलेबल है। स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करके रेट जानने के साथ साथ मशीन बुक भी करवा सकते हैं।